हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्जाम आई एम योर मेंटर अविनाश सर आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क आज मैं एक नए सीरीज़ को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ ये एन टी अभ्यास ऐप सीरीज़ है सबसे पहले मैं इस सीरीज़ के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ नंबर फर्स्ट कि ये एन जो कि एग्जाम आपकी कंडक्ट करेगी नीट की और उसका ये खुद का बच्चों के प्रैक्टिस के लिए सेट पेपर है राइट तो ये एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो इससे पहले भी उसने पेपर रखा था लेकिन एज सच इसने टेस्ट के लिए नहीं रखा था तो हमें इस टेस्ट पेपर को करने से एक आइडिया लगेगा कि एन किस नज़र से पेपर बना रहा है कैसे माइंड से सेट कर रहा है और मैं इस टेस्ट पेपर से रिलेटेड आपको एक जानकारी दूं आप लोग खुद समझदार हो आप, आप सबको पता होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस स्टेज पेपर को करवाया जा रहा है टोटल अगर बायो की क्वेश्चन की बात की जाए तो 90 क्वेश्चंस होते हैं और अगर इसे सॉल्व करने में ऑलमोस्ट जो वो डिस्कस करके वन एंड हाफ़ मोर देन वन एंड हाफ आवर लेते हैं मुझे ऐसा लगता है ये मैंने पर्सनली एनालिसिस किया है कि किसी एक बायो को लेके उसमें भी काफ़ी हर तरीके के क्वेश्चन होते तो मैंने बेस्ट क्वेश्चन के सिलेक्शन को रख के अपना ये सीरीज़ बनाया है उसमें भी मेरा पर्पस ये है कि हमारा जब कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के चार ऑप्शन में एक अगर सही आ जाते हैं आपके सपोज ए बी सी डी आपका एक सही आ गया तो आप खुश हो जाते हो लेकिन मैंने ऐसा रखा है कि हमने और भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और उसके बारे में भी समझना है कि वो क्यों रिजेक्ट किया गया यानी कि हमारा माइंड जो है बिल्कुल सेटअ की तरह से काम करना चाहिए कि बाद में अगर वो किसी और और वैसा होता भी है कि वो क्वेश्चन फिर उसी एरिया से फ्रेम करें किसी और तरीके से तो हमें वो स्ट्रॉन्ग करना है right? राइट तो हमें क्वेश्चन को बिल्कुल एक अलग तरीके से अटेम्प्ट करना यानी वन प्रॉब्लम किल्स योर अनदर प्रॉब्लम अनदर प्रॉब्लम बस हमें इसी स्ट्रेटजी से काम करनी है राइट right? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इसने बायोगैस से रिलेटेड रखा है और बायोगैस से जो ये क्वेश्चन रखा है आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो इसने इस क्वेश्चन में बात करी है कि बायोगैस इज ए कंपोजिशन ऑफ सर्टेन गैसेज सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट करेक्ट एग्जाम में आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें से ऐसे वर्ड को पहले सर्कल कर लो नॉट करेक्ट का मतलब ये हो गया कि इसमें से एक ऑप्शन गलत होगा बाकी तीन ऑप्शन आपके सही होंगे यानी कि डाटा के हिसाब से तो उसे आप एक यू नो सारे पॉइंट को असेंबल करके भी आप रिटर्न कर सकते हो अब देखते हैं मैं आपको पहले बायोगैस के बारे में बताऊं देखो एन ने बायोगैस के परसेंटेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा है यानी ये वहाँ से ये बियॉन्ड जा रहा है और अगर हमें ए, इसके सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करें तो तीन डाटा हमें मिलेगा तो बायोगैस इज़ मिक्सचर ऑफ जो ये मिक्सचर होता है इसमें देखो मिथेन सीओ टू एच टू और जो मिथेन है ये प्रीडोमिनेंटली वर्ड स्पेशली यूज किया है कि प्रीडोमिनेंटली अगर ये प्रीडोमिनेंटली है तो अगर परसेंटेज दिया है सपोज हमें जैसे इस क्वेश्चन में तो सी एच फोर फिफ्टी तो ऑब्वियसली सारे परसेंटेज में सी एच फोर फिफ्टी टू सेवेंटी दिया है तो ऑब्वियसली मिथेन को हम सेलेक्ट कर लिए आई मीन कि वो इसमें है लेकिन ये नॉट में से दे रखा है सीओ टू भी है एच टू भी है तो देखो सीओ टू एच टू सी एच फोर क्योंकि परसेंटेज का यहाँ पे क्रॉस चेक है ही नहीं तो ये पहले ही एलिमिनेट हो जाता है कि ये जो है बायोगैस की कंपोजिशन में है ही नहीं इसलिए आपका ये आंसर आता है राइट right? अब ये डाटा मैंने एनसीआरटी के बारे में आपको बताया तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको परसेंटेज के बारे में मिला है तो इसे आप बिल्कुल नोट करोगे हो सकता है कहीं और ये यूज करें राइट अब मैं इसके लिए एक तो एक्स्ट्रा शॉर्ट आपको बता रहा हूँ उसमें फर्स्ट ये है कि जो बायोगैस होते हैं ये थोड़े रेंज से बाहर की बात है इसमें इंफॉर्मेशन आप रख लो कि मिथेन के अलावा सी ओ टू और H2 टू तो आपने देखा साथ साथ टू एस की भी बात कही जाती है अगर क्वेश्चन में ऐसे फॉर्म होते हैं तो आप इसे यूज़ करोगे दूस नेक्स्ट पॉइंट कि जो मिथेन है आपका सी एच फोर इसकी जो वैल्यू है जो हम बर्न करते हैं तो उसमें फोर फोर टू नाइन किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दे रखा है और इसका जो सोर्स होता है मीथेन का देखो इसको और भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ बायोगैस यूज है एक्चुअली मीथेन से तो मीथेन से जो यूज है अगर आप किसी कैटल यार्ड में जाओ राइट कैटल यार्ड में जाओ या कहीं पे जो स्लॉटर हाउस है यानी कि कैटल यार्ड ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन वहां पे साइनो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा क्योंकि उसके जो एक्सक्रिटिव वेस्ट होंगे उसमें साइनो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं साइनोबैक्टीरिया तो इसके वजह से वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है और एक वो एक फॉल स्मेल आता है यानी आप समझ लो कि एनिमल वेस्ट किसी भी तरीके का एनिमल का वेस्ट जो होगा और स्लटर वेस्ट जो है वो सब जगह यहाँ पे मीथेन का सोर्स मिलेगा तो ये एक एक्स्ट्रा शॉर्ट था जो कि आप इसके साथ इंक्लूड कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन में से है बहुत अच्छे क्वेश्चन में से है और वो नाइट्रोजनेज इंजाइम से रिलेटेड है मैं नाइट्रोजनेज इंजाइम के बारे में आपको पहले दो तीन फॉर्म बताऊँ कि नाइट्रोजिनेज जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं अब ये बताओ कि वो हेल्प क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखो नाइट्रोजन जो है ऑलरेडी एन टू के फॉर्म में होता है और ये एन ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में होता है तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो इतनी हाई होती है इतनी हाई होती है कि ये ब्रेक करके एटमिक नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं आ सकता नॉर्मली और प्लांट को नाइट्रोजन इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन का जो कंस्टेंट होता है वो एमाइनो एसिड होता है और एमाइनो एसिड में जो अमीन ग्रुप लगते हैं जैसे एमाइनो एसिड में एक कार्बन है एक एन एच टू ग्रुप लगेंगे एक सी एच ग्रुप लगेंगे और एक ये वेरिएबल आरएचए तो देखो अमीन कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन हो गया यानी कि एक मेजर कम्पोजिशन है जो प्रोटीन में बनाने में ये हेल्प करता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए नीट में कि ये नाइट्रोजन का कम्पोजिशन जो है वो किस चीज में हेल्प करता है तो वो हमें हेल्प करेगा प्रोटीन बनाने में तो इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है ब्रेक नहीं हो पाती है तो इसे ब्रेक करना या करवाने की जिम्मेवार अदर uh, जो है वो स्पीसीज ले, ले लेते हैं यानी कि वहाँ पर जो अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजनेज होगा तो यहाँ पर जो मेटल कॉम्प्लेक्स है आयरन मोलिपडेनम कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअली ये तो देखो आयरन मोलिबेनम कॉम्प्लेक्स अगर आप देखो तो आपको फर्स्ट में दिख जाएगा तो आंसर तो ऐसा एलिमिनेट हो गया बट आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है जो ये नाइट्रोजनिज एक्टिविटी जो होगी वो पल्सिस में होगी राइट right? और इसके कुछ प्रोसेस हैं और इसमें जो हेमोग्लोबिन लेग हेमोग्लोबिन लेग हेमोग्लोबिन ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल है ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल है और ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन स्केवेंजर का रोल करता है और इसने क्या किया क्योंकि देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजनीस की एक्टिविटी एनारोबिक होनी चाहिए यानी कि जब ऑक्सीजन लेगा तो वो काम नहीं करेगा इसलिए ये लेग हेमोग्लोबिन क्या करता है कि इसके में आने से पहले ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं तो ये हो गया ऑक्सीजन के स्केवेंजर और ये एनोरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन इस हेल्प करेगा और हेल्प करने के प्रोसेस में देखो क्या होता है नाइट्रोजन जो है ये कन्वर्ट होगा अमोनिया में क्योंकि देखो सिंपल नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड तो वो यूज़ कर नहीं पाएगा तो उसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक करना है इनऑर्गेनिक में भी ब्रेक करना है तो यहाँ अमोनिया में वो ब्रेक कर रहा है राइट तो नाइट्रोजन जब अमोनिया में ब्रेक करता है देखो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं तो यहाँ ना, ये नाइट्रोजन इस पार्ट को भी क्वेश्चन में पूछा गया कि इसकी एक्टिविटी ऑक्सीडेशन से है या रिडक्शन से तो ये रिडक्शन से देखो अदर एक और साइट है जहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत फ्रेम किया जा रहा है कि न, देखो नॉर्मली ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो यूज़ होना नहीं है नाइट्रोजन को एटमोसफेयर में ये एनओ माइनस और एनओ माइनस और ये प्रोसेस में देख लो हर जगह क्या रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन के थ्रू है और इसमें अलग बैक्टीरिया नाइट्रोसमनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर काम करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन के साथ पहले तो नोट को आप अंडरलाइन कर लो नोट करेक्ट का मतलब हो गया कि सही नहीं है यानी गलत है और मैसेंजर आने से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट दिया है हर एक अलग अलग स्टेटमेंट करके उसने रखा है तो हम करते हैं पहले कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स की बात देखो सबसे पहले मैं बता दूं जो यू कैरियो होते हैं यू जो होते हैं उसके जो मैच्योर होंगे मैच्योर जो होंगे वो आर ए के पार्ट में ऐसा होता है कि ये सिक्वेंस ये सिक्वेंस ये सिक्वेंस ऐसा होता है तो देखो इसमें जो कुछ सिक्वेंस ऐसे हैं जो कोड नहीं कर पाएंगे कोड नहीं कर पाएंगे तो उसे हटाना जरूरी है उसे हम इंट्रोन बोलते हैं राइट और जो कोड बाद में करेंगे वो एग्जॉन होंगे तो हमें एग्जॉन एंट्रोन एग्जॉन एंट्रोन का ऐसा सीक्वेंस होता है तो एंट्रोन को अगर हमने हटा दिया तो वो एक कंप्लीट मीनिंगफुल uh, चीज़ बनेगा और इस प्रोसेस प्रोसेस को हमने बोला स्प्लाइसिंग अब आप खुद बताओ जो ये स्प्लाइसिंग हमने करा जिस परपज से उससे पहले ये इंटरवेनिंग जीन है या नहीं है या बिल्कुल एक्सक्लूसिवली हम कह दें कि ये नॉन इंटरप्टेड है बिल्कुल नहीं क्योंकि ये इंटरप्टेड जो है अभी है तो यानी जो ये सेकेंड लाइन में कह रहा है कि नॉन इंटरप्टिड जीन तो ये नॉन इंटरप्टेड जीन जो है इसके बेस्ट नॉट करेक्ट को सेटिसफाइड कर रहे हैं ठीक है तो इसके सेटिस्फेक्शन से ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया और हमने इसके बारे में जान लिया लेकिन अब एक बात ये बताओ कि अगर ये नॉट करेक्ट है इसका मतलब बाकी तीन पॉइंट यानी ए सी डी ये करेक्ट हैं अगर ये करेक्ट हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन को असेंबल करना होगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा शॉर्ट हो थीके? जैसे ई यू केटी का आर ने फॉर्म आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज प्रिकर्शन मैसेंजर आर्ने बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ आर ने फ्रॉम डी एन ए और यह प्रिकॉशन मैसेंजर आर्न ने क्योंकि फिर बाद में उसकी प्रोसेसिंग होगी द मैच्योर मैसेंजर आर ने कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली एक्सोन्स एंड हैज ऑल इंट्रॉन रिमूव्ड देखो अभी मैंने ये प्रोसेस में ही बताया ठीक है और ये तो मोनोसिस्टोनिक मैसेजार ने जो है वो मोनो से ही आपको पता चल रहा है सिंगल तो वन प्रोटीन तो आप इसे एलिमिनेट इस तरीके से कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सैटेलाइट से तो मेरे प्यारे बच्चों इसे आप फिजिक्स वाले सैटेलाइट मत समझ जाना ठीक है जो आप किसी प्लानेट के रोल रिवॉल्व करवाते हो ये वो सैटेलाइट नहीं है एक्चुअली ये डी का सिक्वेंस जो होता है इसमें एक स्पेशल रीजन है सबसे पहले ये मैं बताऊँ जो एक जो देखो इसके सिलेबस से बाहर जो सैटेलाइट डीएनए एन अलग अलग पोजीशन ऑफ क्रोमन पे होते थे वो सिलेबस से बाहर चला गया बट ये क्वेश्चन देखो फिर भी वो डाल रहे हैं डाल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में क्वेश्चन को लेके तो है तो हम सेक्शन को बिल्कुल कॉन्क्रीट करना चाहते हैं देखो जो सेटेलाइट डी एन ये हमारा शॉर्ट सिक्वेंस डी है राइट शॉर्ट सिक्वेंस ऑफ डी लार्ज नहीं है और सबसे बड़ी बात इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये रिपीटेड है विद इन द डीएनए राइट right? रिपीटेड का मतलब मल्टीपल टाइम्स और ये मल्टीपल टाइम्स है अब देखो इसका यूज क्या हुआ देखो इसका जो यानी इट हैज बैंड पैटर्न बैंड पैटर्न से क्या होगा हम इसकी बैंड बैंडिंग करेंगे जो कलर करेंगे डिफरेंट कलर आएंगे और वो सब का अलग अलग होगा तो हमें एक आइडेंटिफाई होगा डिफरेंट जो है नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट है ठीक है और डिफरेंट डेंसिटी है तो इसका कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिटी के लिए सबका अलग अलग होता है अब देखो इसका ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन की बात करोगे तो इसमें देखो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी ठीक है रिजेक्शन होता है अलग अलग तरीके का रिजेक्शन और सबसे ज्यादा क्लोज जिसमें रिजेक्शन कम होता है वो ट्विंस होते हैं बाकी रिजेक्शन ज्यादा लेवल पे जाता है ये हो गया क्लियर ये ऑप्शन में नहीं आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन देखो यहां भी एक कन्फ्यूजन है ये मेल है ये फीमेल है ये मेल के पास एक्स वाई फीमेल के साथ एक्स एक्स तो देखो एक्स अगर आता है इधर से और इधर से एक्स वाई किस को क्या पता है कि इसमें एक्स किस का है ये बताओ नहीं है ना तो वाई डिसाइड करता है तो ये भी जान लो सोसाइटी में फीमेल को बोलते हैं कि भाई हमें बेटा दो बेटा दो भाई आपके पास बेटा होने वाला कोई लॉजिक ही नहीं है आप जो अगर चाइल्ड बर्थ होगा वो मेल डिसाइड करता है तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो बाय मेल होता है क्योंकि वाई उसके पास है ये इंफॉर्मेशन अच्छे से रख लो ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है यह भी नहीं होगा अब देखो दो कन्फ्यूजिंग टर्म है फॉरेंसिक साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम क्रॉप या जो प्लांट से रिलेटेड चीज़ है उसको मॉडिफाई करते हैं कि हम बेस्ट बना सकें और इसको हम लोग यूज़ करते हैं टेक्निक की तरह जिससे हम उसका एक एवोल्यूशनरी या उसका पैटर्न हम एक जेनेटिकली निकाल सके तो फॉरेंसिक साइंस इज़ बेस्ट ऑप्शन क्योंकि फोरेंसिक साइंस जो है वो एक बहुत ही एडवांस बायोलॉजिकल फील्ड है जिसमें हम फिंगर प्रिंट की स्टडी करते हैं या किसी के यू नो क्लोज रिलेशन कौन कितना क्लोज है कौन कितना दूर है यानी जो इडियोग्राम और जो क्रोमोजोमल स्टडी होती है उसके बेसिस पे हम सारे को सेपरेट करते हैं कि कौन कितना यानी क्राइम ब्रांच में भी इसका यूज़ होता है ठीक है आपने देखा होगा वो क्या कहते हैं Hmm. कुछ तो है कुछ तो है समथिंग है ना <laughs> तो यही है कुछ तो है नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है देखो भाई मॉर्फोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है मैं मॉर्फोलॉजी को अलग से मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शॉर्ट में लाऊंगा और उसके लिए मैं रैंक बूस्टर सीरीज बनाऊंगा लेकिन इसको एलिमिनेट करने का देखो सबसे पहले करेक्ट पेयरिंग सही बताना है देखो ये जो पहला दिया है इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊँ आई कैन गो गो फॉर गुलमोहर फोर सी फोर केसिया आई फोर इंडिकेट यह ट्रिक है देखो एस्टिवेशन क्या होता है एस्टिवेशन एक्चुअली कैलिक्स और कोरोला दोनों के अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन कहते हैं राइट लेकिन मैं बता दूं इसमें एनसीआरटी में दो जगह कंफ्यूजन दिया जब आप नॉर्मल एस्टिवेशन जो उसने एस्टिवेशन टॉपिक दे के पढ़ाया वहां पर तो उसने सिर्फ एक जगह का एक पार्ट का अरेंजमेंट कराया राइट और जब फैमिली में जाओगे तो फैमिली डायग्राम में कैलिक्स का और कोरोला का दोनों का सेपरेट किया तो मैं क्लियर कट बता दूं ये दोनों का अरेंजमेंट है एस्टिवेशन राइट एट ए टाइम एक का पूछ रहा हो तो अलग बात है तो देखो यहाँ मेरे ट्रिक में गुलमोहर आ रहा है और यहाँ पे गुलमोहर नहीं केसिया है तो ऑबियसली इम्ब्रिकेट में है यहाँ इम्ब्रीकेट में है और ये करेक्ट पेयरिंग पूछा जा रहा है तो ये करेक्ट है देखो लेडी फिंगर ट्विस्टेड इसके लिए मैं ट्रिक बताऊँ ये मैंने पर्सनल बताया देखो एक तो कॉटन होता है कॉटन ऐसे बॉल है इसको तुम ट्विस्ट कर सकते हो ठीक है दूसरा जो है लेडी फिंगर ऐसे विंडी ट्विस्ट कर सकते हो और एक अपने देश में जो कंट्री का जो पड़ोसी है चाइना ये तो भाई बड़ा एठा हुआ बंदा है है ना ट्विस्टेड है तो देखो एक तो हो गया कॉटन दूसरा हो गया लेडी फिंगर तीसरा हो गया चाइना आई मीन चाइना रोज राइट right? ये आता है ट्विस्टेड में ऐसे भी याद कर लेना ट्विस्टेड में आएगा मैं एक्चुअली ट्विस्टेड के फॉर्म में रेटिंग थोड़ा खराब कर दिया बट आप समझ सकते हो तो देखो लेडी फिंगर ट्विस्टेड में ये भी सही है अब देखो ये जो लिली है पी पैटल्स मैं यहाँ भी ट्रिक बना रखा हूँ लिली के नाम में जो इसका एग्जाम्पल है वह इफ इस ई पी फाइलस है ई पी फाइल्स डबल एल है तो लिली तो ये लिली भी आ रहा है तो लिली गलत हो जा रहा है क्योंकि ये पैटलस में दे रखा है इसको हटाओ ठीक है देखो यहाँ जो सिल्क कॉटन पिनेटली कंपाउंड लिप देखा था यहां भी मैंने ट्रिक बना रखा है डबल एन है तो यहाँ नीम दो तो ये भी नीम जो है पिनेटली में आते हैं राइट जबकि ये सिल्क कॉटन को दे रखा है तो इसको भी हटाओ तो अब हमारे ऑप्शन में क्या रहा है देखो ये एलिमिनेट कर लिया हमने ये एलिमिनेट कर लिया देखो एल्स्टोनिया होल जो इसका वर्ल्ड जो है अरेंजमेंट चारों तरफ से होता है का ये सही ऑप्शन है और हमने ए बी को तो पहले करेक्ट कर रखा था तो ए बी ई ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है राइट right? तो देखो मैंने कोशिश करा कि इन सारे क्वेश्चन के थ्रू और भी सारे हमने ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन के थ्रू हमने बहुत सारे रेंज को कवर करने का आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा राइट यू कैन डाउनलोड द पी डी एफ ऑल्सो लिंक हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू रियली लाइक माई एफर्ट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर